MTV Big F with Gautam Gulati. Maya? माया माया मुझे अपनी एक बुक चाहिए, ले लूं? अनामिका निकली। अब अमन के साथ तो वो हो गया जो ना चाहते हुए भी हो जाता है ना, और वही जो कभी कभी जबरदस्ती हो जाता है, वही मतलब कहने का क्या कहते हैं उसको, कोइंसिडेंस, इत्तेफाक, जिसने लगा दी थी अमन की वाट। अमन अब यही सोच के गिल्ट में था कि वो क्या कर रहा है, और गिल्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जिसके आगे बड़ी बड़ी फीलिंग्स भी नहीं चलती बॉस, लेकिन एक फीलिंग है जिसके आगे गिल्ट भी घुटने टिका देती है, एंड दैट इज डिजायर। तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, ओके, बाय। मामूली सी चोट है, इतना क्या? सच में बच्चे हो यार तुम। हो गया। I really pity you. जो इसके जैसी कैरेक्टरिस्ट औरत के वजह से तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो। Excuse me? कैरेक्टरिस्ट किसे कह रहे हो? हर डिवोर्स्ड औरत कैरेक्टरलेस ही होती है, स्पेशली वो जिसके हस्बैंड ने उसे खुद छोड़ दिया हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ? बस कुना, बहुत हो गया, तुम बस जाओ यहाँ से। नहीं नहीं माया, वेट अ मिनट, पता तो चले क्या जानता है ये मेरे बारे में। जो मैं जानता हूँ वो पूरी दुनिया जानती है। मैं तुम्हें एक बार में ही कहूंगा, स्टॉप इंस्टिगेटिंग माय वाइफ फॉर डिवोर्स। कोई मुझे इंस्टिगेट नहीं कर रहा, इट्स माय डिसीजन। मैं तुम्हें डिवोर्स देकर रहूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, वरना तुम्हारी असलियत मैं सबके तू बेटा है ना इसका, बी द मैन ऑफ द हाउस, तेरे घर को कंट्रोल में रख। दो हजार 2015 में जी रहे हम लोग, लेकिन आज भी लोग डाइवोर्स को एक बीमारी की तरह देखते हैं। उनके लिए डाइवोर्स एक सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम है, उस औरत की प्रॉब्लम जिसने डाइवोर्स लिया, जबकि ये किसी का एक पर्सनल मैटर है, और उस पर्सनल मैटर को सोच के ही उसको छोड़ने के बजाय लोग डिटेल्स जानना चाहते हैं, और जब डिटेल्स के बारे में पता चलता है तब भी औरत को ही गलत ठहराते हैं। हालांकि एक औरत का पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा कर सके, आफ्टर ऑल शी ऑल्सो हैज हर इमोशनल नीड्स, पर उसे कोई नहीं समझता। कोई भी नहीं समझता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम समझोगे। आई वॉन्ट यू राइट हियर, राइट नाउ, नेक्स्ट टू मी। अपनी फोटो भेज रही हूं,
Please meet me now. I can come wherever you want me to. और मिलोगी तो क्या क्या करोगी? सिर्फ बात. आज सिर्फ बात करने का मन है. मुझे इस वक्त लाइफ में सिर्फ एक मैन की प्रेजेंस चाहिए. क्या हुआ बेबी? आज तुम बहुत सैड लग रही हो. क्या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो दिल को लग गया? This is scary. मैं कैसे पता चला कि मैं सैड हूं? हमारा सोल कनेक्शन है. आई कैन फील दैट. एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो रहा है. That's sad. नहीं, sad नहीं. मैं तो बहुत खुश हूं इस बात से. खुश? डिवोर्स से? Leave all this, please. I want to meet you right now. बेबी अभी बहुत रात हो गई है ना. आई कांट स्टेप आउट. लेट्स मीट टुमारो शाम 8 बजे होटल एम्बर. मैं रूम नंबर कल मैसेज कर दूंगा. इट्स ओके. आई अंडरस्टैंड. बट जल्दी मिलना. First or last time. But I also want to tell you something. Don't go mad at me. ये profile picture मेरी नहीं है और मैं जो हूँ तुम उसको बहुत अच्छे से जानती हो. But promise करो तुम सच्चाई जान के मुझे. सोए नहीं अभी तक? नहीं, मैं I was reading something. अब भी नहीं सोया अभी तक. मैं पानी लेके. नहीं, just sit here for some time. I just want to talk. Tell me something. तुम्हें भी यही लगता है कि मैं characterless हूँ? No, not at all. Why? Just because जो लाइफ में कंपनी चाहिए इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं. You know, 8 years, 8 long years of my married life, उसने मुझे छुआ तक नहीं. Not even once. और मैं अब जाकर हिम्मत कर रही हूं डिवोर्स लेने की. तुम्हें पता है मेरे भी सभी लड़कियों की तरह सपने बहुत से थे शादी को लेकर. मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मैं ऐसी हो जाऊं. शादी के बाहर कंपनी या कंपैशन ढूंढूंगी. बट मैं
मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूं और ना ही डेस्परेट. ऑल आई वांट इज फॉर समवन टू केयर फॉर मी. Someone to be there. That's it. वरना लाइफ बहुत अनबेरेबल हो जाती है अमन. बहुत अनबेरेबल हो जाती है. MTV Big F with Gautam Gulati.